हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वित है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विश्वित में। ठीक है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक हार्ड डिस्क के ड्राइव को सिंक करके एक दूसरा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि सिंक होता क्या है। तो सिंक करने से क्या होता है, अगर आपका हार्ड डिस्क ड्राइव मान लीजिए कि 11 GB का है, एक पार्टीशन है 11 GB का, तब उस 11 GB को आप सिंक कीजिएगा। मान लीजिए उसमें 3 GB का आप सिंक कर लिए, तो क्या होता है 3 GB और 8 GB दो हिस्से में बांट जाता है, यानी कि एक 8 GB का पार्टीशन क्रिएट हो जाता है और एक 3 GB का पार्टीशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप एक हार्ड डिस्क पार्टीशन को दो हिस्से में बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, मेरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में 4 पार्टीशन है, CDEF। ठीक है, तो यहाँ भी आपको डी को सिंक करके आपको दिखाता हूँ कैसे सिंक किया जाता है। तो सिंक करने के लिए पहले माय कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद मैनेज में जाइए। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे आपको अमाउंट देना होगा, यानी कि आप कितना MB यानी कि कितना GB आप सिंक करना चाहते हैं उस वॉल्यूम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 3 GB सिंक करूँगा, तो ऐसे में दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं सिंक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2.93 GB का एक मेरे पास अन एलोकेटेड स्पेस आ गया है। ठीक है, अब इसको मैं देखिए, अब माय कंप्यूटर में जाके इसको अभी यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि अभी वो अन एलोकेटेड स्पेस है। देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसको शो करने के लिए इसको मैं अभी क्या करना होगा, इसको एक पार्टीशन क्रिएट करना होगा। ठीक है, पार्टीशन क्रिएट करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम में क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद फिर से नेक्स्ट कीजिए। फिर आपको आप जो लेटर चुनना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, जैसे एच है बाई डिफॉल्ट, मैं इसको एच ही आने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद जो यहाँ पे है तो उसको बाई डिफॉल्ट। यहाँ पे देखिए एच नाम का एक आ गया है, यहाँ पे ड्राइव आ गया है जिसके स्पेस है 2.92 GB का। जब भी जो मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।